डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन अर्थात संक्षारण, धातुओं का संक्षारण क्या होता है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कोरोजन। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि एयर एंड वाटर, वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं की सतह का धीरे धीरे क्षय होना, नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं संक्षारण यानी कि कोरोजन। ठीक है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी एंड एयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कोरोजन के। रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन एग्जाम्पल है, एक साधारण सा उदाहरण आप देखते हैं, लोहे पर जंग का लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन स्पॉट ऑन कॉपर सरफेस। कॉपर की सतह पर हरे ग्रीन कलर के स्पॉट्स धब्बों का बन जाना, ये भी कोरोजन का ही एक उदाहरण है। कोरोजन किस प्रकार से ये होता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसकी क्रियाविधि है, आइए इसको हम समझते हैं। बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रम है जो उत्पन्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ओटू, वायु और नमी की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम में एच प्लस आयनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगने की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ मेटल सरफेस, लोहे की सतह पर कोई पॉइंट जिस पर Fe ऑक्सीडाइज्ड होता है Fe प्लस प्लस में, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है Fe प्लस प्लस आयन में, वो काम करता है पॉइंट, काम करता है एनोड का। आयरन की एक सतह पर एक ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट पे Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe प्लस प्लस में, ये Fe सॉलिड है, ये Fe Aq लिखा है Fe प्लस प्लस में, और दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। ठीक है, Fe का Fe प्लस प्लस में ऑक्सीडेशन हो गया, और जिस पॉइंट पे ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई वो पॉइंट कहला रहा है एनोड। ठीक है, अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव करते हैं, आपको पता है मेटल कंडक्टर होती है, आयरन भी कंडक्टर है, थ्रू द मेटल, मेटल सरफेस पे ये क्या करेगा, मूव करेगा और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस और एसिडिक मीडियम, यानी अम्लीय माध्यम में एच प्लस की उपस्थिति में ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा और एच टू ओ बना लेगा। क्या रिएक्शन होगी, ओ टू गैस प्लस फोर एच प्लस, ओ टू इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन की क्रिया होगी और एच टू ओ का फॉर्मेशन हो जाएगा, एच टू ओ लिक्विड बनेगा और ये पॉइंट कहलाएगा कैथोड। ठीक है, तो एक पॉइंट पे हो रहा है एनोड और दूसरे पॉइंट कहला रहा है कैथोड। एक पे ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, जिस पॉइंट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पॉइंट एनोड है, जिस पे रिडक्शन हो रहा है वो पॉइंट कैथोड है। तो एक तरह से एक सेल मैकेनिज्म हो गया और ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया हो गई और ये कंप्लीट रिडक्स रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन दो रिलीज हो रहे हैं, इसको दो से आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, 2Fe
प्लस ओ टू प्लस फोर एच प्लस इज इक्वल टू टू एफ ए प्लस 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 टू एच टू। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन आ गया। ठीक, जो ये एफ ई प्लस प्लस आयन है ये फर्दर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर से और बना लेते हैं एफ ई टू ओ थ्री, फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड ही जंग कहलाता है, विच इज कॉल्ड रस्ट। फोर एफ ई प्लस 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 ओ टू गैस प्लस फोर एच टू एफ ई प्लस प्लस ने रिएक्ट किया किससे? नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाया? फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री बन गया और एच प्लस। ठीक है, और ये जो एफ ई टू ओ थ्री है ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है एफ ई टू ओ थ्री इंटू एक्स एच टू ओ, जो वास्तव में क्या होता है? रस्ट होता है, जंग होता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम किस तरह से समझें? देखिएगा, ये मान लीजिएगा ये सरफेस है आयरन का। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये वाली रिएक्शन होती है, यानी कि जो Fe है वो Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसने दो इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज कर दिए। ठीक, यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहां चला गया? Fe प्लस प्लस Aq, नमी की उपस्थिति में जाएगा। यहां पे ये सॉलिड आयरन है। ठीक, अब ये मेटल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सपोज इस पॉइंट पे आ गया, यहीं पे थोड़ा मूव करके दूसरे पॉइंट पे आ गए और दूसरे पॉइंट पे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ये जो ऑक्सीजन है H प्लस अम्लीय माध्यम में, ठीक है, क्या बना लेता है? H2O। क्या बनाया इसने? H2O। देखिए Fe का ये जो पॉइंट है ये एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, Fe प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन इसने यहां छोड़ दिए, ये एनोड हो गया। अब ये मूव करके दूसरे पॉइंट पे आ गए इलेक्ट्रॉन और यहां पे एयर की प्रेजेंस है, H प्लस आयनों की प्रेजेंस है और जो ऑक्सीजन है ये H2O में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीजन भी है और H2O भी है, तो ये जो Fe प्लस आयन है ये अब ऐसे तो है नहीं कि ऊपर चले गए कहीं, है तो यहीं पे सरफेस पे ही। ठीक है, ये ऐसे कहीं अलग थोड़ी चले गए, ये जो Fe प्लस प्लस आयन ये कहां है तो इसी सरफेस पे, बस Fe से Fe प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब ये जो Fe प्लस प्लस आयन है ये यहां पे रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और H2O के साथ। ठीक है, और क्या बना लेंगे? Fe 2O3। क्या बनाया इन्होंने? Fe 2O3। तो ये क्या होता है? ये होता है रस्ट। ठीक है, समझ में आ गई मैकेनिज्म कैसे है? क्लियर है बात? ठीक, तो इस तरह से ये Fe 2O3 यानी रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये काफी आता है एग्जामिनेशन में, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए प्रोटेक्शन कैसे होगा कोरोजन से, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए जो एयर है और ह्यूमिडिटी है इसका कांटेक्ट हम मेटल से जो है काट दें, अलग कर दें, कांटेक्ट ना होने दें एयर और ह्यूमिडिटी का मेटल से, तो कोरोजन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अप्लाइंग ए लेयर ऑफ पेंट, क्या कर दें कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लीजिए रस्ट से आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो क्या कर दें? अप्लाइंग ए लेयर ऑफ पेंट, उस पर पेंट की एक लेयर कर दें या ग्रीस की एक लेयर कर दें, उस पर पेंट कर सकते हैं और आप उस पर ग्रीस कर सकते हैं, तो जो आयरन है वो रस्ट फ्री रहेगा। ठीक है, दूसरा अप्लाइंग ए लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल, हम नॉन कोरोसिव मेटल ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है या जिन पे जंग कम लगता है ऐसी मेटल्स की एक लेयर आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है, तो वो रस्ट फ्री रहेगा। अब ये जो प्रोसेस है अप्लाइंग ए लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल, इसमें ये दो छोटे छोटे मुख्य प्रोसेस आते हैं, एक आता है गैल्वेनाइजेशन
और दूसरा आता है टेनिंग। अब गैल्वेनाइजेशन के द्वारा भी रस्ट आयरन को रस्ट से फ्री रख सकते हैं और टिनिंग के माध्यम से भी आप आयरन को रस्ट से फ्री रख सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? द कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग ए लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन में आयरन की सतह पर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है और यह प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, तो कौन सी मेटल यूज होती है? जिंक। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन के गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक का उपयोग होता है, ठीक है, एग्जाम में कई बार ये आता है। दूसरा, इसी प्रकार से आप टिन की लेयर चला सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन की सतह पर आप किसकी? टिन की एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो टिन की एक लेयर हम चढ़ा देंगे तो टिन क्या होता है? टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन की जो रिएक्टिविटी है वो आयरन से कम होती है और इसका ऑक्सीडेशन कम होता है, इसलिए यह जो है आयरन को रस्ट फ्री रखता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कभी कभी पूछ लेता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? किसी मेटल पे दूसरी मेटल की थिन लेयर, पतली परत, अगर आप चढ़ा दें, ये तो टिन है, कभी इसे थिन पड़ जाइए आप, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक पतली लेयर, एक थिन लेयर किसी मेटल की दूसरी मेटल पर अगर आप अप्लाई कर दो तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में टिनिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप आयरन को प्रोटेक्ट करते हो रस्ट से, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कई जगह जो है सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। कई बार एग्जामिनेशन में आता है गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग में कौन बेहतर है, कौन अच्छा है? गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिनिंग। गैल्वेनाइजेशन इज बेटर देन टिनिंग। टिनिंग से गैल्वेनाइजेशन अच्छा है। इसका रीजन क्या है? वन लेयर ऑफ जिंक इज क्रैक, यानी जिंक की जब लेयर क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, तो जिंक जो है इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, ठीक है। और जिंक जब वाष्पित हो जाएगा तो सरफेस कैसी हो जाएगी आयरन की? नीट एंड क्लीन, और ये रहेगी रस्ट फ्री, ठीक है, यानी उसको रस्ट नहीं लगेगा। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है, ओके, थैंक यू।